बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस थ्री मेन टॉपिक्स इन दिस लेक्चर। फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ट्री अप्रोच, सेकंड फर्म पोर्टफोलियो अप्रोच कंट्रीब्यूशन टू टोटल फर्म रिस्क, एंड थर्ड वुड बी मैनेजरियल और रियल ऑप्शंस इन कैपिटल बजटिंग। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव एनालाइज्ड द रिस्क ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यूजिंग द डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेट्स, एंड वी हैव डिटरमिंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू standard deviation and the coefficient of variation, and on the basis of that we have decided which project should we select. First we will discuss probability tree approach. Here we will see how the probability tree approach is used to evaluate the risk of an investment project. So what's a probability tree approach? It's a graphic or tableau approach for organizing the possible cash flow streams generated by investment. So what it says that we specify the cash flow stream of an investment project as they relate to outcomes in the previous periods. इसका मतलब ये है कि जो cash flow streams हम estimate करेंगे या forecast करेंगे वो आपस में correlate कर रहे होंगे, यानी कि जो future की cash flows हैं वो previous periods के ऊपर depend कर रही होंगी, यानी second year की cash flow first year की cash flow के ऊपर depend कर रही होंगी, थर्ड ईयर कैश फ्लो सेकेंड ईयर कैश फ्लो पे फर्स्ट ईयर कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ गुड हाई कैश फ्लो इन द फर्स्ट ईयर, वी एक्सपेक्ट दैट वी कैन हैव ए गुड हाई कैश फ्लो इन द सबसिक्वेंट ईयर्स। तो अगर हमारी कैश फ्लो फर्स्ट ईयर में हमें एक अच्छी कैश फ्लो मिल जाती है, एक हाई कैश फ्लो मिल जाती है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आने वाले साल हैं या जो आने वाले पीरियड्स हैं उनमें भी कैश फ्लो जो है वो हाई होगी या गुड होगी। अगर अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि फर्स्ट ईयर में कैश फ्लो जो है वो लो होगी, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सब्सिक्वेंट पीरियड्स है उसमें भी कैश फ्लो जो है वो लो होगी। द प्रेजेंटेशन रिजेंबल्स द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसकी जो रिजेंबलेंस है वो ऐसे ही है जैसे कि किसी दरख्त की ब्रांचेस होती, तो इसलिए इसे हम प्रोबेबिलिटी ट्री अप्रोच कहते हैं। ईच कम्प्लीट ब्रांच रिप्रेजेंट्स वन पॉसिबल कैश फ्लो सीक्वेंस। तो हर एक ब्रांच जो है वो एक पॉसिबल कैश फ्लो सीक्वेंस को शो कर रही होती है। अब हम प्रॉबिलिटी ट्री अप्रोच को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बास्केट वंडर्स एग्जामिनिंग ए प्रोजेक्ट दैट विल हैव एन इनिशियल कॉस्ट टुडे ऑफ $900। अनसर्टेनिटी सराउंडिंग द फर्स्ट ईयर कैश फ्लोज क्रिएट्स थ्री पॉसिबल कैश फ्लो सिनेरियोस इन ईयर वन। ईयर वन में हमने तीन सिनेरियो अज्यूम किए। फर्स्ट सिनेरियो ये है कि देयर इज अ 20% चांस दैट वी कैन रिसीव $1200 कैश, एंड देयर इज अ 60% चांस दैट वी कैन रिसीव $450 कैश, एंड देयर इज अ 20% चांस दैट वी कैन इनकर $600 लॉस। तो ये तीन सिनेरियोज हैं और टाइम जीरो के ऊपर जो है वो कॉस्ट आ जाएगी, जो $900 जो है वो कैश आउटफ्लो है, और फर्स्ट ईयर में हमने फिर ये तीन तरह की कैश फ्लो एस्टिमेट की और हम ये समझते हैं कि देयर इज अ 20% चांस दैट $1200 कैश फ्लो हमें रिसीव होगा, 60% चांस है कि $450 रिसीव होंगे, और 20% चांस है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो $600 लॉस इनकर करेगा। ईयर वन में हमने तीन पॉसिबल आउटकम्स जो है वो डिटरमिन किए, $1200, $450 और $600 नेगेटिव, और इसके साथ हमने इसकी जो प्रॉबिलिटी है वो भी साइन की। जो फर्स्ट ईयर में प्रोबेबिलिटी हमने साइन की है इसे इनिशियल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जो हाईएस्ट कैश फ्लो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में वो $1200 है, और जो सबसे लोएस्ट कैश फ्लो है वो $600 है, यानी कि जो कि लॉस इनकर हो रहा है। तो अब जो सेकंड ईयर की कैश फ्लोज हैं वो हम जो है वो जब एस्टिमेट करेंगे तो वो डिपेंड कर रही होंगी फर्स्ट ईयर कैश फ्लो पे। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल $1200 कैश फ्लो फर्स्ट ईयर में रिसीव करते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन रिसीव $2200 कैश इनफ्लो इन द सेकेंड ईयर, और उसका जो चांस ऑफ अकरेंस है वो 10% है, यानी 10.10 जो लिखा है 10% प्रॉबिलिटी। इसी तरह जो $1200 है उसका जो चांस ऑफ अकरेंस है वो 60% है, और $900 है उसका चांस ऑफ अकरेंस 30% है। तो फर्स्ट ईयर में अगर हम $1200 रिसीव करते हैं तो सेकेंड ईयर में हम 2200, 1200 और 900 रिसीव कर सकते हैं, और इनकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो 10%, 60% और 30% रिस्पेक्टिवली।
इस तरह अगर $450 हम फर्स्ट ईयर में रिसीव करते हैं और जिसकी प्रोबेबिलिटी 60% है, तो सेकंड ईयर में हम 900, 600 और 300 जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो 35%, 40% और 25% है रिस्पेक्टिवली। इसी तरह जो जो $600 जो लॉस इनकर हो रहा है और ये हम जो सेकंड ईयर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें $500 रिसीव हो सकते हैं, और उसकी पॉसिबिलिटी 10% है, और नेगेटिव $100 रिसीव करने की प्रॉबिलिटी 50% है, और नेगेटिव $7 रिसीव करने की प्रॉबिलिटी 40% है। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि जो जो सेकेंड ईयर की प्रॉबिलिटी है वो फर्स्ट ईयर की प्रॉबिलिटी के ऊपर डिपेंड करी है, तो इसे कंडीशनल प्रॉबिलिटी कहते हैं। जो फर्स्ट ईयर की प्रॉबिलिटी है वो इनिशियल प्रॉबिलिटी है, और जो सेकेंड ईयर की जो प्रॉबिलिटीज कह रहा होंगी वो कंडीशनल प्रॉबिलिटीज होंगी, जो कि डिपेंड कर रही हैं फर्स्ट ईयर की प्रॉबिलिटीज के ऊपर। ज्वाइंट प्रॉबिलिटीज, यहाँ अब हम डिटरमिन करेंगे ज्वाइंट प्रॉबिलिटीज, यानी कि एक कैश फ्लो स्ट्रीम की ज्वाइंट प्रॉबिलिटी क्या होगी। तो ज्वाइंट प्रॉबिलिटी जो है वो सिंपली दो प्रॉबिलिटीज का प्रोडक्ट है, यानी आप फर्स्ट ईयर की प्रॉबिलिटी को सेकेंड ईयर की प्रॉबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ज्वाइंट प्रॉबिलिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये कितनी ब्रांचेस बनती हैं। जो पहले ईयर में कैश फ्लो है वो $1200 है, और सेकेंड ईयर में कैश फ्लो $2200 है, तो ये एक ब्रांच होगी, ब्रांच वन। इसी तरह फर्स्ट ईयर में $1200 है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर में $1200 गए, तो ये ब्रांच टू होगी। इसी तरह फिर ब्रांच थ्री, ब्रांच फोर, ब्रांच फाइव, ब्रांच सिक्स, ब्रांच सेवन, ब्रांच एट, ब्रांच नाइन, इस तरह इसकी नाइन ब्रांचेस बन जाती है, और हर ब्रांच जो है वो एक कैश फ्लो स्ट्रीम को शो कर रही है, और उसकी जो ज्वाइंट प्रॉबिलिटी होगी हम उसको जो इनिशियल प्रॉबिलिटी है उसको उसकी कंडीशनल प्रॉबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हर ब्रांच की ज्वाइंट प्रॉबिलिटी आ जाएगी। तो फर्स्ट ब्रांच की जो ज्वाइंट प्रॉबिलिटी है वो 2% है, सेकेंड ब्रांच की ज्वाइंट प्रॉबिलिटी है वो 12% है, थर्ड ब्रांच की जो ज्वाइंट प्रॉबिलिटी है वो 6% है। इसी तरह जो फोर्थ ब्रांच है उसकी प्रॉबिलिटी है 0.21, यानी 0.6 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.35 से तो 0.21 आ गया। इसी तरह फिफ्थ ब्रांच की जो ज्वाइंट प्रॉबिलिटी है वो 0.24 है, सिक्स ब्रांच की 0.15, सेवन्थ ब्रांच की 0.02, एट्थ ब्रांच की 0.10 और नाइन्थ ब्रांच की 0.08। तो ये ज्वाइंट प्रॉबिलिटीज हमने हर ब्रांच की डिटर्मिन कर ली, और इसका बड़ा आसान सा तरीका ये है कि एडिशनल प्रॉबिलिटी को हमने कंडीशनल प्रॉपर्टी के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक ब्रांच की ज्वाइंट प्रॉपर्टी आ गई। इस तरह फिर हमने तमाम ब्रांचेस की ज्वाइंट प्रॉपर्टी जो है वो डिटरमिन कर ली। प्रोजेक्ट एनपीवी बेस्ड ऑन प्रॉबर्टी ट्री यूजेज, तो प्रॉपर्टी ट्री अप्रोच को यूज करके हमने एक डायग्राम ड्रा किए और उसमें हमने नाइन ब्रांचेस आइडेंटिफाई की। अब हर ब्रांच की हम जो है वो एनपीवी फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सपेक्टेड एनपीवी फाइंड करेंगे। तो NPV फाइंड करने का वही फार्मूला है जो कि हमने पहले यूज़ किया था। NPV में हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिटरमिन करनी है और फिर उसको हमने लेस करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से आउटफ्लो को, तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। तो हर जो कैश फ्लो है उसको हमने डिस्काउंट करना है, उसके लिए एक डिस्काउंट रेट यूज़ करेंगे जो कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होगा। यहाँ पर हम रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे रिस्क का एनालिसिस कर रहे हैं सेपरेटली, तो यहाँ पे अगर हम उसको यूज़ करें तो डबल काउंट हो जाएगा रिस्क। तो यहाँ पे हम सिर्फ जो है वो रिस्क फ्री रेट चूज करेंगे और एज ए डिस्काउंट रेट, और फिर हम हर जो कैश फ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करेंगे और फिर हम उससे एनपीवी डिटरमिन करेंगे। इस स्लाइड में जो हमने एनपीवीज निकाली है वो आपको राइट हैंड साइड पे नज़र आ रही है कि हर ब्रांच की हमने जो है वो एनपीवी डिटरमिन की है, और उसका तरीका यही है कि जैसे $1200 ईयर वन है और $2200 ईयर टू में, तो हम इसको डिस्काउंट करेंगे एट 5% रेट और इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालेंगे एट टाइम जीरो। तो और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से हमने जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है इसको लेस कर दिया, तो हर ब्रांच की एनपीवी आ जाएगी। फर्स्ट ब्रांच की फिर इसी तरह $1200, फिर $1200 और फिर $900 सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में $1200 और इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिटरमिन करके और आउटफ्लो में से लेस करेंगे तो हमारे पास एनपीवी आ जाएगी। तो हर ब्रांच की हमने एनपीवी जो है वो फाइंड की है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालेंगे, तो उसके लिए अब हर ब्रांच जो है उसकी एनपीवी को उसकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे।
और ज्वाइंट प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करने के बाद उन तमाम एनपीवीज को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इस केस में हमारे पास जो एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो -17.01 डॉलर्स है। एक्सपेक्टेड एनपीवी डिटरमिन करने के बाद अब हम रिस्क कैलकुलेट करेंगे। तो रिस्क कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम उसका वेरियंस कैलकुलेट करेंगे। तो वेरियंस कैसे कैलकुलेट होगा, हम हर ब्रांच की एनपीवी जो है वो हमारे पास गिवन है। अब इस हर ब्रांच की एनपीवी में से हम माइनस कर देंगे एक्सपेक्टेड एनपीवी और उसका होल का स्क्वेयर ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हर ब्रांच की जो रेस्पेक्टिव ज्वाइंट प्रॉबिलिटी है। इसके बाद हम इस सबका टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद हमारे पास टोटल वेरियंस आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम वेरियंस का स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंड डेविएशन आ जाएगी। तो हमने वेरियंस का स्केयर रूट लिया तो हमारे पास स्टैंड डेविएशन आ गई इस प्रोजेक्ट की, जो कि 1015.78 डॉलर्स है और जो एक्सपेक्टेड एनपीवी है वो -17.01 डॉलर। तो प्रोबेबिलिटी ट्री यूज अप्रोच को यूज करते हुए हमने सबसे पहले उसकी जो पॉसिबल कैश आउटकम्स है उसको हमने डिटरमिन किया और उसके फिर ब्रांचेस को डिटरमिन किया और फिर हमने इनिशियल कंडीशन को मल्टीप्लाई करके उसकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी को जो था वो डिटरमिन किया कि जो एक कैश फ्लो स्ट्रीम है उसकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी क्या है। उसके बाद हमने उसकी एनपीवीज को डिटरमिन किया कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमें क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो रिसीव होगी और उसके बाद हमने उसका वेरियंस और फिर हमने उसकी स्टैंड डेविएशन कैलकुलेट की। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी ट्री अप्रोच को यूज करते हुए किसी प्रोजेक्ट का रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी एनपीवी जो है फाइंड कर सकते हैं और इस बेस के ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे कि इस केस में जो एनपीवी है वो नेगेटिव है तो हम इस नेगेटिव को सामने रख के हम इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज नहीं करेगा। नाउ वी विल डिस्कस फर्म पोर्टफोलियो अप्रोच कंट्रीब्यूशन टू टोटल फर्म रिस्क। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा है रिस्क एंड रिटर्न, इसमें आपने फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया था। तो यहाँ जो प्रोसीजर आपने फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने में यूज़ किया है वो वही सेम प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने में। लेकिन दोनों का पर्पज़ सेम है। जो हमने फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें भी हम यही चाह रहे होते हैं कि टोटल फर्म का रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाए। इसी तरह जो फर्म पोर्टफोलियो अप्रोच है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, यहाँ पे भी हमारा पर्पज़ यही है इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने का कि हम जो है वो टोटल फर्म रिस्क जो है उसको मिनिमाइज करें। तो हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जिससे रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाए। अगर आपको याद हो तो आपने कोरिलेशन यूज़ की थी दो सिक्योरिटीज के रिटर्न्स के दरमियान कि इनकी आपस में क्या कोरिलेशन है। तो यहाँ पे भी हम इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो कैश फ्लोज की जो कोरिलेशन है वो डिटरमिन करेंगे कि इनकी आपस में क्या कोरिलेशन है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है इसकी जो रेंज है वो -1 से +1 की तरफ है। तो अगर ये -1 होगा तो इसका मतलब है कि दो प्रोजेक्ट्स की जो कैश फ्लोज है वो परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है। अगर ये +1 होगा तो इसका मतलब है कि ये परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अगर 0 होगा तो इसका मतलब है कि देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दी टू प्रोजेक्ट्स, तो इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है। नेगेटिवली जो परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है इसका मतलब ये है कि अगर एक प्रपोजल है और उसकी कैश फ्लो जो है वो 10% के साथ इंक्रीज करती हैं एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, तो जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसकी कैश फ्लो जो है वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर 10% के साथ डिक्रीज करेगी। और अगर प्रपोजल की अगर जो कैश फ्लोज है वो 10% के साथ डिक्रीज करती है तो जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसकी जो कैश फ्लोज होंगी वो 10% के साथ इंक्रीज करेंगी। तो ये दो प्रोजेक्ट्स जो आपस में परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं। अगर हम इन प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं तो इससे हमारा जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन अगर दो प्रोजेक्ट्स हों और वो परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड हों तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो प्रोजेक्ट है अगर उसकी कैश फ्लो 10% इंक्रीज कर रही है एट पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर तो दूसरे प्रोजेक्ट्स की भी जो कैश फ्लोज होंगी वो सेम परसेंटेज के साथ इंक्रीज करेंगी। तो जो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट उसको होता है जब वो कोरिलेशन जो है वो नेगेटिव साइड की तरफ जाता हो। अगर दो प्रोजेक्ट्स जो है वो नेगेटिवली कोरिलेट कर रहे हैं तो उस रिस्क जो है वो ज़्यादा मिनिमाइज होता है। इस डायग्राम में आपको दो प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, एक प्रपोजल ए है दूसरा प्रपोजल बी है। तो
तो अगर इन दोनों को हम देखें तो ये परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है। जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर टाइम है, और जो के जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर कैश फ्लो जो है उसको ड्रॉ किया है। तो अगर आप इनको दोनों को देखो तो सेम पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर उसमें इंक्रीज आ रहा है तो प्रपोजल बी में उस टाइम के ऊपर डिक्रीज आ रहा है, और अगर प्रपोजल ए में डिक्रीज आ रहा है तो प्रपोजल बी में सेम प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज आ रहा है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर ले तो आप जो थर्ड डायग्राम है जिसमें हमने कंबाइन किया है, तो आपको नजर आ रहा है कि दोनों का रिस्क जो है वो अब इसकी जो वेरिएशन है आपको नजर आ रही होगी वो कम हो गई है। तो वेरिएशन कम होने का मतलब ये है कि अब इस इन दोनों को कंबाइन करने से टोटल फॉर्म का रिस्क है वो मिनिमाइज हो गया। तो प्रपोजल ए में आपको जो वेरिएशन नजर आ रही है वो काफी ज्यादा है, और बी में भी आपको वेरिएशन जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन जब हमने दोनों कंबाइन किया तो टोटल फॉर्म जो है जो उसका जो वेरिएशन है जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो गया। डिटरमिनिंग दी एक्सपेक्टेड एनपीवी फॉर अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो जो पोर्टफोलियो है उसका एनपीवी कैसे डिटरमिन करेंगे। इसमें जो प्रोसीजर है वो बड़ा सिंपल सा है कि आपने तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका एनपीवी एक्सपेक्टेड एनपीवी हमने सबसे पहले डिटरमिन करना है। जैसे कि अभी हमने पहले एक प्रोजेक्ट का एनपीवी डिटरमिन किया था, तो इसी तरीके से हम तमाम प्रोजेक्ट्स के एक्सपेक्टेड एनपीवी डिटरमिन करेंगे और सिंपली उसको ऐड कर देंगे। तमाम पोर्टफोलियो के जो एक्सपेक्टेड एनपीवीज हैं उसको अगर हम सम ले लें तो वो एक्सपेक्टेड एनपीवी पोर्टफोलियो का आ जाएगा। डिटर्मिनिंग पोर्टफोलियो स्टैंडर्डाइजेशन, नाउ वी विल डिटरमिन द रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो। लेकिन ये जैसे हमने एक्सपेक्टेड एनपीवी डिटरमिन किया था पोर्टफोलियो का, ये ऐसे नहीं होगा क्योंकि एक्सपेक्टेड उसमें वहां पे हमने सिंपली फॉर एग्जांपल अगर दो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एनपीवीज हैं तो दोनों की एनपीवीज को ऐड कर लें तो हमारे पास जो पोर्टफोलियो है उसकी एनपीवी आ जाती है। लेकिन या जब हम रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क में हम सिंपली दो प्रोजेक्ट्स के जो स्टैंडर्डाइजेशन है उनको ऐड करके पोर्टफोलियो की स्टैंडर्डाइजेशन ये डबल कर सकते हैं, बल्कि हमें यहाँ पे जो है वो को वेरियंस यूज करना पड़ता है, और को वेरियंस में हमें कोरिलेशन ऑफ कोफिशियंट इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हमने कहा था कि हम दो प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोरिलेशन कोफिशियंट, इनका कोरिलेशन कोफिशियंट क्या है। जब हम रिस्क डिटरमिन करेंगे तो रिस्क में हम जो फार्मूला यूज करेंगे उसमें हम कोवेरियंस यूज करेंगे, और कोवेरियंस का जो फार्मूला है वो है सिग्मा जे सिग्मा के आर जे के। अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि दो प्रोजेक्ट्स हैं और दोनों के हमने अगर स्टैंडर्डाइजेशन डिटरमिन कर लिए तो उसको जो पोर्टफोलियो है उसका फार्मूला ये हो जाएगा कि सिग्मा वन टू इज इक्वल टू, यानी जो पोर्टफोलियो है सिग्मा पी इज इक्वल टू स्केयर रूट हो जाएगा, और डब्ल्यू वन स्केयर सिग्मा वन स्केयर प्लस डब्ल्यू टू स्केयर सिग्मा टू स्केयर प्लस टू डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू सिग्मा वन सिग्मा टू आर वन टू। और आर वन टू जो है ये कोरिलेशन कोफिशियंट है, कोवेरियंस बेसिकली को मूवमेंट बताता है बिटवीन द टू सीरीज, और ये कोवेरियंस जो होता है ये डिग्री बताता है और मैग्नीट्यूड बताता है को मूवमेंट का। तो यहाँ पे जो फार्मूला बन जाएगा, जैसे अभी मैंने बताया अगर फॉर एग्जाम्पल हम दो प्रोजेक्ट्स यूज कर रहे हैं तो फिर हम सिग्मा वन टू इज इक्वल टू स्केयर उठ जाएगा डब्ल्यू, अगर वेट्स यूज कर रहे हैं तो डब्ल्यू वन स्केयर प्लस डब्ल्यू टू स्केयर सिग्मा टू स्केयर प्लस टू डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू सिग्मा वन सिग्मा टू और आर वन टू। इस तरीके से फिर हम पोर्टफोलियो का जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन डिटरमिन कर सकेंगे। मैनेजेरियल अरियल ऑप्शंस इन कैपिटल बजटिंग, सो नाउ वी विल डिस्कस हाउ द मैनेजेरियल अरियल ऑप्शंस इन कैपिटल बजटिंग कैन अफेक्ट द प्रोजेक्ट वर्थ। The managerial or real options basically gives management a flexibility to make future decisions that can affect a project's expected cash flows, life, or future sectors. The presence of managerial options enhances the worth of investment project. So the formula for the project worth would be it is equal to NPV, net present value, plus options value. In the next slide, we will see what are these real options that can affect the project worth. There are three options that are discussed in this chapter. First, we expand our contract. Second, abandon. And third, postpone the investment project. ये तीन options जो हैं, management इसको according to situations exercise कर सकती है। For example, जैसे कि first option है expand our contract. It allows the firm to expand or contract production if conditions become favorable or unfavorable. For example, a company एक नई product develop करती है,
और उसको वो मार्केट में लॉन्च करना चाहती है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहती है, लेकिन इनिशियली उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती क्योंकि वो श्योर नहीं है कि ये प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल होती है या नहीं होती। तो इनिशियली जब वो कम इन्वेस्टमेंट करती है और उसके ऊपर जब हम NPV डिटरमिन करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी NPV जो है वो नेगेटिव है, तो NPV की बेस पे तो हमें उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि यही प्रोडक्ट 2 साल के बाद इसकी जो डिमांड है मार्केट में वो इंक्रीज़ कर जाती है और हमें इतनी इंक्रीज़ कर जाती है कि हमें एक नए प्लांट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उस प्रोजेक्ट को अगर एक्सपेंड कर दें और हम जो है वो प्लांट एक और प्लांट ऐड कर दें उसके बाद उसकी NPV डिटरमिन करें, तो हमें ये नज़र आता है कि अब ये प्रोजेक्ट जो है इसकी NPV पॉजिटिव है। तो एक्सपेंड करने से यानी एक ऑप्शन को एक्सरसाइज करने से वही प्रोजेक्ट जो कि इनिशियली नेगेटिव NPV प्रोड्यूस कर रहा था अब वही प्रोजेक्ट एक पॉजिटिव NPV दे रहा है। तो एक्सपेंशन से यानी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने से हमें ये बेनिफिट हुआ कि हमने अपने प्रोजेक्ट की वर्थ को जो है वो एनहेंस कर दिया। इसी तरह एबेंडनमेंट है कि एक प्रोजेक्ट जो है वो हम फाइव फेज का प्रोजेक्ट था लेकिन हमने देखा कि दूसरे या तीसरे साल में ये प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा और ये लॉस इनकर कर रहा है, तो हमें हम उस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर देंगे उसकी लाइफ से पहले। इसी तरह पोस्टपोन है कि एक प्रोजेक्ट है, हमने एक नई प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास अभी जो इंफॉर्मेशन है वो सफिशेंट नहीं है और हम ये चाह रहे हैं कि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड है और अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे कि हम वेट कर लेंगे ताकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन फर्दर इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए और हम एक राइट डिसीजन ले सकें। तो हम पोस्टपोन वाली जो ऑप्शन है अलाइनमेंट उसको फिर एक्सरसाइज करेंगे। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो इसको समझते हैं कि एक प्रोजेक्ट है जिसको हम अबेंडन करने जा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट की वर्थ क्या होगी और इसे हमें अबेंडन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अज्यूम दैट दिस प्रोजेक्ट कैन बी अबेंडनड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर फॉर $200। ईयर वन के एंड पे अगर हम इसको अबेंडन करते हैं तो हम $200 जो है वो उसको बेचने के बाद रियलाइज कर सकते हैं, तो इस प्रोजेक्ट की वर्थ क्या होगी। तो ये एग्जाम्पल हमने पहले भी यूज़ की थी, $900 की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है और फर्स्ट ईयर में 20% चांस है कि हम $1,200 रिसीव करें और 60% चांस है कि $450 रिसीव करें और 20% चांस है कि हम $600 का लॉस इनकर करें। तो फर्स्ट टू जो हमने पॉसिबल आउटकम्स हैं उसमें तो पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं, लेकिन जो थर्ड है उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं इस पे हमें लॉस हो जाए। तो अगर लॉस हो जाएगा तो उसके आगे फिर सब्सिक्वेंट कैश फ्लोज हमने जो डिटरमिन किए हैं कि 10% चांस है कि $500 रिसीव हो जाएं और 50% चांस है कि $100 का लॉस हो और 40% चांस है कि $7 का लॉस। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ईयर वन के ऊपर यहाँ पे इसको अबेंडन कर दें तो हम इससे $200 रिसीव कर सकते हैं। अब हम इसकी वर्थ निकालते हैं कि इसकी वर्थ जो है वो क्या बनती है। ईयर वन के एंड पे अगर इस प्रोजेक्ट को हम अबेंडन करते हैं तो हमें $200 जो है वो रिसीव होते हैं, यानी अगर हम इसको सेल बेच देते हैं तो उससे हमें $200 रिसीव होंगे। लेकिन अगर हम इसे अबेंडन नहीं करते और ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहता है तो सेकेंड ईयर के एंड पे जो हमें कैश रिसीव होंगी वो $500 जो है वो हमें रिसीव हो सकते हैं जिसकी प्रॉबिलिटी 10% है। इसी तरह $100 का लॉस हो सकता है जिसकी प्रॉबिलिटी 50% है और $7 का लॉस हो सकता है जिसकी प्रॉबिलिटी 40% है। हम करेंगे ये कि इस ये जो सेकेंड ईयर के एंड पे जो कैश फ्लोज हमें रिसीव हो रही हैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ईयर वन के एंड पे और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे $200 के साथ, क्योंकि कैश इनफ्लो है अगर हम इसको बेच देते हैं अबेंडन करते हैं तो हमें $200 रिसीव हो सकते हैं। अगर तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ईयर वन के एंड पे $200 से एक्सीड कर जाती है फिर तो इस प्रोजेक्ट को हम अबेंडन नहीं करेंगे क्योंकि अबेंडन करने की सूरत में हमें लॉस है। अगर हम लेकिन अगर ये प्रेजेंट वैल्यूज जो हैं ये $200 से कम होती है तो फिर हम इस प्रोजेक्ट को अबेंडन कर देंगे क्योंकि फिर अबेंडन करने में हमें बेनिफिट है। तो यहाँ पे जब हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यूज निकाली और उनको ऐड किया तो हमारे पास की प्रेजेंट वैल्यू आ गई -266.67, यानी अगर हम इसको कंटिन्यू रखते हैं तो हमें 266.67 का लॉस होगा और जो कि हमें अगर हम इसको अबेंडन कर दें तो हमें $200 की कैश इनफ्लो रिसीव होगी, यानी यहाँ पे 266.67 आउटफ्लो हो गया और $200 जो है वो इनफ्लो हो गया। तो हमें $200 जो है वो ऑब्वियस है कि वो पॉजिटिव वैल्यू है
तो वो हमें हम क्या करेंगे, हम फिर इस प्रोजेक्ट को अबेंडन कर देंगे। जैसे कि स्लाइड में आपको नजर आ रहा है कि $200 जो है ये ग्रेटर देन नेगेटिव 266.67 है, तो अब हम इस प्रोजेक्ट को जो है वो कंटिन्यू नहीं रखेंगे, बल्कि इसको हम ईयर वन के एंड पे अबेंडन कर देंगे और फिर हम इसकी वर्थ डिटरमिन करते हैं कि अब इसकी वर्थ जो है वो क्या होगी। हमने हर ब्रांच की जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन की और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन थी उसमें हमने इसको, क्योंकि हमने कहा कि ये अगर लॉस इनकर करता है तो फिर हम उसको जो है वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमने जो जो सेकंड ईयर की कैश फ्लो उसको जीरो कर दिया और ईयर वन के एंड पे हमें क्योंकि नेगेटिव 600 जो था वो लॉस था और अगर हम उसको अबेंडन करते हैं तो हमें $200 यानी कैश इनफ्लो जो है वो रिसीव होता है, तो हमने -600 में से 200 लेस कर दिया तो हमारे पास -400 आ गया। उसके बाद हमने इसकी एक साल और डिस्काउंटिंग की तो हमारे पास जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई नेगेटिव 1280.95। अगर हम अबेंडनमेंट ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सपेक्टेड जो एनपीवी आएगी वो है $71.88। तो यहाँ हम डिटर्मिन करेंगे कि अगर हम अबेंडनमेंट ऑप्शन को एक्सरसाइज करें तो उसकी क्या वैल्यू बनती है। तो फार्मूला ये है कि एक्सपेक्टेड एनपीवी इज इक्वल टू ओरिजिनल एनपीवी प्लस अबेंडनमेंट ऑप्शन। जब हमने इनिशियली एनपीवी डिटर्मिन की थी तो वो नेगेटिव आई थी, लेकिन जब हमने उसको अबेंडन किया तो वो एनपीवी जो है वो अब पॉजिटिव होगी यानी $71.88 होगी। अब हम ये देखते हैं कि जो अबेंडनमेंट ऑप्शन है उसकी क्या वैल्यू है। हमने ये वैल्यूज फार्मूला में पुट की तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई $88.89। तो हमने ये देखा है कि ये प्रोजेक्ट जो था इनिशियली जिसे हमने रिजेक्ट कर दिया था नेगेटिव एनपीवी की वजह से, लेकिन जब हमने इसके अंदर ऑप्शंस को इंक्लूड किया और हमने उसको एक्सरसाइज किया तो हमने ये देखा कि जो नेगेटिव एनपीवी थी एक्सपेक्टेड एनपीवी अब वो पॉजिटिव एनपीवी में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से इस प्रोजेक्ट की जो वर्थ है वो इन्हेंस कर गई। तो ये चैप्टर यहाँ पे ये क्लोज हो जाता है। अब आप इसको जरा गौर से सुनिएगा इस लेक्चर को और फिर क्वेश्चंस अपने पास लिख लें, फिर इंटरेक्टिव सेशन के अंदर हम उसको फिर तमाम क्वेश्चंस को इंशाल्लाह हम डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच।